बिग बॉस फैंस को वीकेंड के वार का हर हफ्ते बेसब्री से इंतजार रहता है। दर्शक पूरे हफ्ते शो देखे ना देखे, लेकिन वीकेंड का वार कभी मिस नहीं करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सलमान खान है। सलमान खान वीकेंड पर आकर पूरे हफ्ते हुए लड़ाई झगड़ों का हिसाब किताब करते हैं। वैसे इस वीकेंड आपको शो पर सलमान नहीं बल्कि करण जौहर मिलने वाले हैं। शो का प्रोमो आ चुका है और करण जौहर आते ही घर वालों की क्लास लगा रहे हैं। सलमान खान को डेंगू हो गया है, इसी वजह से अभी शो की कमान करण जौहर को दे दी गई है, जिन्होंने बिग बॉस OTT भी होस्ट किया था। प्रोमो में करण जौहर वीकेंड का वार होस्ट करते हुए दिख रहे हैं। इस वीकेंड करण, अर्चना, गौतम और गौरी नागौरी के झगड़े पर बात करते दिखेंगे। करण गौरी से कहते हैं कि उन्होंने जो उकसाने वाली चीजें की उसका मकसद चोट पहुंचाना था या नहीं। उन्होंने बिग बॉस को भी धमकी दी। करण ने सीधा सवाल दागा, गौरी आपको घर में रहना है या बाहर जाना है? करण ने गौरी से जो कहा वो आपने जान लिया। अब जानिए कि आखिर उन्होंने गौरी से ऐसा बोला ही क्यों। बिग बॉस ने शिव ठाकरे को कैप्टन की पोस्ट से फायर कर दिया है। शिव के बाद बिग बॉस ने अर्चना को घर का नया कैप्टन बना दिया है। हालांकि कैप्टन बनना अर्चना के लिए किसी सजा से कम नहीं है। बिग बॉस हाउस के सभी सदस्य अर्चना के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम गौरी का आता है। गौरी अर्चना की कैप्टनसी को गलत साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। अपकमिंग एपिसोड में वो अर्चना से बिना वजह भिड़ती दिखेंगी। गौरी पहले अर्चना के रूम से फल लाकर उन्हीं के सामने खाती हैं। इस पर जब अर्चना रिएक्शन देती हैं, तो गौरी बिग बॉस से शिकायत करने लगती हैं। यहाँ तक कि वो हाथापाई पर भी उतारू हो जाती हैं। गौरी को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अर्चना को लड़ने के लिए उकसा रही हैं। हरियाणा की शकीरा की इसी हरकत से नाराज करण वीकेंड के वार में उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते दिखाई देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।